बीते दिन ग्रेस मार्क्स वालों के लिए नेट यूजी की दोबारा हुई परीक्षा में कुल 48% छात्र ही शामिल हुए। इसकी जानकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने खुद दी है। एजेंसी ने बताया कि नीट यूजी के री एग्ज़ाम में ग्रेस मार्क्स वालों की 1500 में से 63 छात्रों में से कुल 52% यानी 813 छात्र ही रविवार को हुए एग्ज़ाम में शामिल हुए। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक 1563 उम्मीदवारों में से 813 ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। 5 मई को नीट यूजी परीक्षा के दौरान 6 केंद्रों पर देरी से शुरू होने के कारण हुए समय के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस अंक दिए गए थे। रविवार को 1563 उम्मीदवारों में से 813 ने ही एग्जाम दिया। बता दें, NTA ने हरियाणा, गुजरात, मेघालय, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ के 7 परीक्षा केंद्रों पर पुनः परीक्षा आयोजित करवाई थी। गुजरात के सूरत में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया था। चंडीगढ़ में 2 में से दोनों छात्र परीक्षा देने नहीं पहुंचे। छत्तीसगढ़ में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पहले में 185 में से 70 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी। दूसरे में 417 में से 241 बच्चे अनुपस्थित रहे। यहाँ एक बच्चे की पुनः परीक्षा थी और वो मौजूद रहा। हरियाणा के झज्जर जिले के केंद्रों पर 287 छात्रों ने परीक्षा दी, वहीं 207 छात्र परीक्षा देने नहीं पहुँचे। मेघालय में कुल 464 बच्चों को दोबारा परीक्षा में शामिल होना था, मगर यहाँ 230 बच्चों ने परीक्षा ही नहीं दी, 234 बच्चे ही परीक्षा देने पहुँचे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर उठे विवाद के बीच NTA ने रविवार को 17 अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से रोक दिया, जो 5 मई को बिहार के केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे थे। एजेंसी ने पहले ही परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने के आरोपों में 63 अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर कर दिया था। शनिवार को गुजरात के गोधरा से 30 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के भी परीक्षा देने पर रोक लगा दी गई थी। वहीं पिछले हफ्ता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज किया और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं शनिवार को केंद्र ने NTA के डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया और IAS अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला को इस पद पर नियुक्त किया। इसने NTA की संरचना प्रक्रिया और कामकाज की व्यापक समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय समिति का भी गठन किया। पैनल आज सोमवार को अपनी पहली बैठक करेगा। इस बीच NTA ने राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बाद गड़बड़ी के संदेश में बिहार में 5 मई को मेडिकल परीक्षा देने वाले 17 छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया। ये पूछे जाने पर कि क्या कथित पेपर लीक में छात्र शामिल थे, उपरोक्त अधिकारी ने कहा, अब इसकी जांच सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को करनी है।